जैन दोस्तों, मैं आई हूँ पंकज फौजी ग्रुप पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले, मतलब 1 महीना पहले, एक डिज़ाइन का वीडियो बनाया था, तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आपने डिज़ाइन के वक्त कितना पैसा दिया था, या जब आप असम राइफल में थी तो कितना आपने कमाया था। प्रेजेंटली मैं यूपी पुलिस में हूँ। मैं असम राइफल 2 साल जॉब की थी। वहाँ 2 साल जॉब करने के बाद मैं यहाँ यूपी पुलिस में, मेरा नंबर आ गया था तो मैं यूपी पुलिस में आ गई थी, क्योंकि हर किसी को अपने घर के आसपास रहना पसंद है। स्पेशली लड़कियों के लिए जो समस्या होती है वो मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही थी। उस समय मेरी शादी भी नहीं हुई थी, शादी मेरी फिक्स हो गई थी और काफ़ी मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होनी थी आगे जाके, क्योंकि मेरी जिससे शादी फिक्स हुई थी वो भी एक अदर फोर्स में थे और मैं अदर फोर्स में, तो दोनों का हम तालमेल नहीं बिठा पाते। अब मैं स्टेट पुलिस में अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, तो स्टेट पुलिस में होने के कारण मैं अपने परिवार को, अपनी फैमिली को पूरा समय दे पा रही हूँ, अपनी जॉब को पूरा समय दे पा रही हूँ, अपना जो कार्य सरकार है वो मैं कंटिन्यू अच्छे से कर पा रही हूँ असम राइफल में, जो कि मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसे मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, मेरी मजबूरी थी जो मुझे छोड़ना पड़ा। असम राइफल जॉब मुझे बहुत अच्छी लगी, आज भी मैं उसकी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। मुझे उस जॉब को करना आज भी बहुत अच्छा लगा और आज भी मैं उस ट्रेनिंग को, उस माहौल को बहुत मिस करती हूँ। बट जो भी था, मेरी प्रॉब्लम थी, मुझे छोड़ना पड़ा। तो काफ़ी क्वेरीज थी कि मैम आपने वहाँ पे जब जॉब छोड़ी थी, असम राइफल से रिज़ाइन दिया था, तो आपने कितना पेमेंट किया था। मैं उस वीडियो में बता चुकी, लेकिन आज मैं क्लियरली आपको बताऊँगी कि मुझे कितना पेमेंट, मैंने कितना पेमेंट किया था, मुझे वहाँ से कितना अर्न हुआ था और मैंने क्या खर्च किया, उस पैसे को कहाँ इस्तेमाल किया, क्या क्या मैंने वहाँ पर देखा, क्या हुआ, सब मैं आपको बताऊँगी। तो दोस्तों, मैं शुरू करती हूँ अब कि मैंने वहाँ से कितना कमाया। पहले मैं यहाँ से देखो, पहले मैंने कितना कमाया उस चीज़ से शुरुआत करूँगी, और वहाँ से आते टाइम मैंने कितना वहाँ पेमेंट किया वो मैं बताऊँगी। पेमेंट करने के बाद जब मैं जॉब छोड़ के आ गई, उसके बाद भी मेरे अकाउंट में कितना पैसा आया, कब कब आया, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, किस चीज़ का पैसा आया वो भी मैं बताऊंगी आपको। तो शुरुआत करते हैं कि जब 2015 में मैं वहाँ ट्रेनिंग पर गई थी असम राइफल में, और 2015 यानी कि मार्च में मेरा नंबर आया था, मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर आया था और मैं मार्च में ट्रेनिंग पर वहाँ गई थी। तो वहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान, उस समय 7th pay नहीं लगा था 2015 में, तो जो सैलरी मुझे मिल रही थी वो 6th pay के हिसाब से मिल रही थी। यानी कि पूरी ट्रेनिंग हमारी 12 महीने की ट्रेनिंग हुई, उस समय मुझे लमसम 20,000 rupees पर मंथ सैलरी मिलती थी। जो अप डाउन है वो मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन जो मोटा अमाउंट है वो मैं बताती हूँ कि मुझे 20,000 लमसम मिला था। यानी कि 1 साल में मैंने वहाँ पर 2.5 lakh rupees कमाया था ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में हमारे कोई खर्च नहीं करना पड़ रहा था बाहर का। ट्रेनिंग में क्या, ट्रेनिंग के बाद भी मुझे बाहर कोई खर्च नहीं करना पड़ रहा था। मेस फैसिलिटी यानी कि खाने पीने का, रहने का हर सुविधा वहाँ हमें अवेलेबल थी। उसके बाद अब हम आ जाते हैं 2016 में। मैंने 2 साल वहाँ पे जॉब की, 2015 और 2016। तो 2016 में 7th pay बैंड लग चुका था, तो उस समय मैंने, मेरी सैलरी लमसम 28,000 रही थी। रिस्क अलाउंस मेरा कम था क्योंकि मेरी पोस्टिंग अगरतला रही थी। अगरतला प्लेन एरिया है तो वहाँ रिस्क अलाउंस ज़्यादा नहीं है। तो 28,000 मेरी लमसम रही थी, यानी कि लमसम मैंने 3.5 lakh rupees कमाया था। अप डाउन मैं बोल रही हूँ कि 3.5 lakh rupees कमाया था, बोनस वोनस जो भी मिलता था उसको मिला करके 3.5 lakh rupees कमाया। यानी कि टोटल 2 साल में मैंने 6 lakh rupees वहाँ पर कमाया था। 6 lakh rupees मैंने वहाँ कमाया, तो उस पैसे को मैंने कैसे इस्तेमाल किया, कहाँ यूज़ किया। मेरे अपना जो मेरा घर था मैका, यानी कि तो वहाँ मैंने अपने घर को थोड़ा बहुत रह गया था उसकी फिनिशिंग मैंने करवाई, तो लमसम मेरा 1.5-2 lakh rupees उसमें लगा था। उसके बाद वहाँ पे कैंटीन फैसिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही कैंटीन फैसिलिटी असम राइफल की A1 है, तो वहाँ पे कैंटीन में मैंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया था। वहाँ से मैं अपने घर का सामान लेकर आती थी और घर पर, मतलब घर के लिए मैं बहुत सारा सामान कैंटीन से लाया करती थी, बड़े बड़े सामान जैसे फ्रिज वगैरह जो भी है वो सब मैंने कैंटीन से परचेस किया। बहुत डिस्काउंट, बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आर्मी कैंटीन अलाउ है, जो किसी भी पैरामिलिट्री में नहीं होती। असम राइफल में आर्मी कैंटीन है। वहाँ की मेडिकल फैसिलिटी, सब फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं वहाँ की। देकर आई तो मुझे कितना पेमेंट करना पड़ा, रिज़ाइन का जो वीडियो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं कि मैंने रिज़ाइन कैसे दिया। ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ कि मैंने रिज़ाइन कैसे दिया और
वहाँ असम राइफल में रिजाइन लेना बहुत मुश्किल होता है। जितना मुश्किल जॉब लेना होता है उससे ज़्यादा मुश्किल मुझे रिज़ाइन देना लगा था, क्योंकि वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ रिज़ाइन देने में। बहुत मुश्किल से मेरा रिज़ाइन हो पाया था, काफ़ी टाइम मुझे लग गया था रिज़ाइन देने में। तो जो प्रोसेस था वो मैंने सब उसमें बताया है कि रिज़ाइन जब मैंने दिया तो उसमें मैंने बताया कि कैसे कैसे रिज़ाइन का प्रोसेस चला था, वो सब मैं बता चुकी हूँ। और रहा पेमेंट का, पेमेंट हमारे जब भी हम कहीं से भी रिज़ाइन देंगे, किसी भी जॉब से रिज़ाइन देंगे, तो उसमें जो हमारा एक तो हमारे 3 मंथ पे देखी जाएगी और ट्रेनिंग का खर्च देखा जाएगा। जो ज़्यादा होगा इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो लिया जाएगा। बट मेरे पास जो ज्वाइनिंग लेटर आया था तो उसमें मेरा क्लियर लिखा हुआ था कि आप जब रिज़ाइन देंगी जॉब से तब आपको 3 महीने की सैलरी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से मुझे 3 महीने की सैलरी पेमेंट करनी थी, तो मेरा जो 3 महीने की सैलरी के हिसाब से मेरा जो पेमेंट बन रहा था, मैंने 79,000 वहाँ पेमेंट करा था। अब पेमेंट तो मैंने कर दिया, उसके बाद मुझे 31 दिसंबर 2016 को रिलीव कर दिया गया कि आप असम राइफल्स से मुक्त हो चुकी हैं, आप जहाँ मतलब आप वहाँ से मुक्त हो चुकी हैं, आप यहाँ से मूव कर सकती हैं। उसके बाद जब मैं वहाँ से आ गई, फिर यूपी पुलिस में मैंने 2017 में ज्वाइन किया, तब से मैं यहाँ कंटिन्यू अपनी सर्विस कर रही हूँ। उसके बाद वहाँ से जब मैं आ गई हूँ, यहाँ मैं ट्रेनिंग कर रही थी और वहाँ से मुझे फ़ोन आता है कि आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, यानी कि असम राइफल से मुझे फ़ोन नंबर आता है कि आप अपना एक बार अकाउंट नंबर और क्लियरली दे दीजिए। मैंने कहा पता नहीं मुझसे अकाउंट नंबर क्यों मांगा जा रहा है। तो फिर फिलहाल मैंने अपने साथ की लड़कियों को, जो वहाँ पर असम राइफल में थी मेरे साथ की लड़कियाँ, उन्हें मैंने अपनी पासबुक की कॉपी दी। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं असम राइफल से। किस चीज़ के आ रहे हैं मैं नहीं जान रही थी, लेकिन फिर भी मैंने जाके चेक किया, अपना मैसेज चेक किया, बैंक में जाके चेक किया, तो वहाँ पे एक अर्गिस नाम से हमारा ऑटोमेटिकली अर्गिस कटता था, जो पे स्लिप में क्लियरली दे रखा होता है। वहाँ से असम राइफल से मुझे पे स्लिप मिलती थी, तो उसमें क्लियरली लिखा होता था कि आपका अर्गिस हर महीने इतने रुपये कट रहा है। तो जो भी मेरा 2 साल में इकट्ठा हुआ था अर्गिस, अर्गिस यानी कि असम राइफल का एक अपना पर्सनल इंश्योरेंस होता है, तो वो मुझे मिला 20,000 रुपये। उसके कुछ दिन बाद फिर मेरा एक और पेमेंट आया असम राइफल से ही, एक पेमेंट और आया, यानी कि मैं यहाँ यूपी पुलिस में सर्विस दे रही हूँ, उसी दौरान मेरा पेमेंट वहाँ से भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो पेमेंट मेरे वहाँ छूटे हुए थे वो लोग मुझे वापस दे रहे थे। मेरा फिर एक लीव इनकेशमेंट आया, यानी कि जो छुट्टियाँ मेरी बची हुई थी, जो मेरी छुट्टियाँ मेरे खाते में इकट्ठी हो गई थी, उसका पैसा मुझे वापस आया, यानी कि 35,000 लमसम मेरी 2-2.5 महीने की छुट्टी बची हुई थी, तो उसका कुछ कट छाट के जितना भी बना 35,000 लमसम मेरे अकाउंट में, एक्यूरेट मुझे याद नहीं है लेकिन जो मोटी मोटी अमाउंट है वो मैं आपको बता रही हूँ कि 35,000 के लमसम मेरे अकाउंट में आया। उसके बाद मतलब लमसम 2 साल, जॉब छोड़ने के 2 साल बाद तक मेरे अकाउंट में वहाँ से असम राइफल से पेमेंट आता रहा। तो उसके बाद 2,000 और आया, फिर 4,000 और आया, टोटल मिला के मुझे इस हिसाब से 62,000 रुपये वहाँ से मिला। 80,000 मैं वहाँ पेमेंट करके आई थी, 62,000 मुझे वहाँ से मिला, यानी कि मैंने टोटल 2 साल में असम राइफल से 6-6.5 लाख रुपये कमाया था। ये सब कुछ था कि मैंने वहाँ कितना कमाया, वहाँ यूज़ किया पैसे का, और वहाँ से मुझे कितना मिला, और डिज़ाइन देते वक्त मैंने असम राइफल में कितना पेमेंट किया, ये सब मैंने आपको बता दिया। मैं समझती हूँ आप लोगों को इस चीज़ से काफ़ी संतुष्टि मिली होगी, और अगर किसी को असम राइफल में जाने का मौका मिलता है तो मैं उसको बोलूँगी कि वो डेफिनेटली जाए असम राइफल में, वो 100% असम राइफल में जाए, क्योंकि असम राइफल बहुत अच्छी जॉब है, मैं पर्सनल उसको देख चुकी हूँ। और अगर आपको 2 जॉब में से एक सेलेक्ट करना है कि स्टेट पुलिस या पैरामिलिट्री, तो मैं बोलूँगी आप स्टेट पुलिस ज्वाइन करें, ये मैं अपनी पर्सनल राय रख रही हूँ कि आप स्टेट पुलिस ज्वाइन करें। बाकी जिसे पैरामिलिट्री में जाना है वो पैरामिलिट्री में जा सकता है, लेकिन जिसे जॉब करना है और फैमिली देखना है तो वो स्टेट पुलिस ज्वाइन करें।